अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने किया युवक की हत्या का खुलासा, तीन आरोपी भेजे जेल। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव दाऊद सराय मार्ग पर आम के बाग के अंदर एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस और थाना नौगावा सादात पुलिस के साथ साथ पुलिस क्षेत्र अधिकारी दिनेश यादव पहुँचे थे। इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन के बाद पता लगा कि मृतक युवक का नाम इंतखाब है और वह अमरोहा नगर के मोहल्ला नौगजा का रहने वाला है। हत्या के खुलासे में जुटी पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजने के बाद जब कार्यवाही शुरू की और मामले में जांच की गई तो अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस को सफलता मिली। अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने युवक इंतखाब की हत्या के आरोप में अली इमरान, अली अब्बास और हैदर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में अली हैदर ने बताया कि मरने वाला इंतखाब उनका सगा मौसेरा भाई था। उनसे करीब 6-7 साल पहले उसके पिता रफीक का मामूली विवाद हुआ था। उसने उसके पिता की जूते और चप्पल से पिटाई कर दी थी और उसके बाद वह अली हैदर के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट करता था। वह उनको और उसके भाई को मुर्गी चोर कहता था, जिसके बाद से उसने उससे बदला लेने की ठान ली थी। और अली हैदर ने बताया कि उसने अब बदला लेने के लिए अपने भाई अली इमरान, अली अब्बास को साथ लेकर इंतखाब को रास्ते से हटाने के लिए घर से बुलाया और गांव सराय मार्ग पर आम के बाग में जाकर लाठी डंडों से पिटाई करके उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके हत्या में प्रयुक्त डंडा और अंगोछा बरामद कर लिया और तीनों को जेल भेज दिया है। ये अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उसका पति शाम को 4 बजे निकला था, उसके बाद लौट के नहीं आया। बाद में उसकी लाश बाग में मिली। विवेचना से यह पता चला कि दो सगे भाई तथा एक मौसेरे भाई ने मिलकर डंडे से मारकर और गला दबाकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि जो सगे भाई थे उनको मृतक मुर्गी चोर कहकर जाता था तथा जो मौसेरा भाई था उससे उसके पिता को 8-9 साल पहले पिटाई की थी। इस तरह से तीनों ने आपसी राय करके उसकी हत्या कर दी। सर, क्या क्या बरामद हुआ इनके पास से, क्या इनका अपराधिक इतिहास है? इनके पास से मृतक का मोबाइल, जिस डंडे से मारा गया था वो डंडा तथा गला घोंटने में जिस तौलिया का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया। तो सर, इनका अपराधिक इतिहास भी है? अब आपराधिक इतिहास छानबीन की जा रही है।